Let's see what is the message for India. Right, so just what do you want to give for India for 16th of March 2022. Okay, so we got two cards for India. Eight of Raphael का कार्ड, Eight of Cups का कार्ड होता है. दोनों कप कार्ड आए हैं. There is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest. So आपके लिए कुछ बेहतर वेट कर रहा है. इंडिया जो है definitely कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने लगा है, कुछ आगे स्टेप्स लेने वाला है. जो सामने ट्रेजर दिखाई दे रहा है या जो सामने लालच दिखाई देगा या जो सामने चीज दिखाई देगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑल. तो डेफिनेटली मुझे लगता है वी हैव अ वेरी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग लीडर, और जो लालच है उसमें तो वो डेफिनेटली नहीं पड़ेंगे. And this says seven of Raphael, time to make a decision, be clear on what you want and take action, a need for detoxification. So it clearly says ki kuch cheeze, kuch colors jo hain, kuch situations jo hain wo detoxify karne ki zarurat hai, aur mujhe aisa lagta hai ki kuch cheeze jo hain wo chhodni bhi padengi aage badhne ke liye. But I do feel it is like going one step backward to go many steps forward. तो वो क्योंकि सीढ़ियां ऊपर जाती हुई दोनों में दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया शायद कोई ऐसा डिसीजन ले जो एक स्टेप पीछे हो, लेकिन वो एक स्टेप पीछे बहुत जरूरी हो बहुत सारे स्टेप्स आगे जाने के लिए. सो दिस इज लाइक पास्ट में वापस जाना और किसी चीज को क्लियर करना, डिटॉक्सिफाई करना, सो दैट फ्यूचर की तरफ जा सके, एंड नॉट लुकिंग एट ओनली द मनी एंगल. एक कार्ड में ओशो से भी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर इंडिया फ्रॉम हियर. इंडिया message for India for 16th March 2022. Okay, so here, wow, ब्यूटिफुल. ओशो जेन के डेक में एक कार्ड एक्स्ट्रा है विच इज द मास्टर कार्ड. वो ओशो का ही कार्ड है. तो यहाँ पे आपको वही दिखाई दे रहा है, द मास्टर. सो इंडिया इज द मास्टर ऑफ ऑल, और शायद एक स्टेप जो है वो अपने वो जो पीछे लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द मास्टर स्ट्रोक फॉर इंडिया. सो डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इज गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर इंडिया. इंडिया कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है और वो मास्टर स्ट्रोक होने वाला है. मतलब ऐसा होने वाला है जहाँ पे एक तीर से कई निशाने लगेंगे. So I wish all the best to our country, and let's see what is for the world. Let's see, just the energy for the world. And when I'm talking about world, war is definitely part of it. So let's see, 16th March for the world. Okay, so I'll take out one for war also. Solutions. Wow, this is beautiful. Success that comes from objective compromise, self-control and patience, forgiving and healing energies. So I do feel, क्योंकि मैंने वॉर के बारे में भी बात की और मैंने इंडिया के वर्ल्ड के बारे में भी बात की, कुछ चीजों के सोल्यूशंस निकल के आएंगे. सम कंट्रीज आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड लुक एट द सोल्यूशंस, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जहां पे थोड़ी सी फॉरगिविंग और हीलिंग एनर्जी हो, और जहां पे एक बैलेंस में जो है कंट्रीज आगे बढ़े. तो मुझे वॉर सिचुएशन में कुछ सोल्यूशन जो है 16th को आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ शांति सिंह को आती हुई दिखाई दे रही है. एक क्लियर कार्ड वॉर के लिए निकाल लेते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर. ओके, सो एक नहीं, देर आर मेनी कार्ड्स दैट काइंड ऑफ केम. सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल. ओके, सो सिक्स ऑफ राफेल, सिक्स ऑफ लाइफ राफेल, बेसिकली अगेन फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर, राइट? सो कंट्रीज कमिंग टुगेदर एज फ्रेंड्स, और वो थोड़ा सा हेल्प करने वाली है एक दूसरे की चीज़ों को सेट करने के लिए. ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, प्रस्पेक्टिव. सो प्रस्पेक्टिव जो है चेंज होने वाला है. थिंग्स विल बी लुक्ड फ्रॉम अ बेटर प्रस्पेक्टिव, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट अप्रोच लेने वाली हैं देन द यूजुअल, और डेफिनेटली नई प्लानिंग्स और वॉटर वे शिप है, वॉटर वे. तो मुझे ऐसा लगता है कि नई प्लानिंग होने वाली है वॉर सिचुएशन में. ऑन द फेस ऑफ इट जो नजर आएगा, देर इज अ पैकिंग फॉर समथिंग, राइट? देर इज अ पैकिंग, पीपल आर मूविंग, पीपल आर शिफ्टिंग. सो मुझे बिग टाइम शिफ्ट की एनर्जी नजर आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कुछ जो है वो टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाला है, और इट फील्स लाइक देर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ पीस, बट डिफिकल्ट दैट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लिव्ड. बट येस, देर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ पीस. आई डू फील दैट एनर्जी, जहां पे कुछ कंट्रीज के साथ अगर एक तरह से सही सिल्वर लाइनिंग, अगर सही तरह से चीजों को देखा गया, अगर सही तरह से इन डिस्कशंस को लिया गया, सही तरह से सोल्यूशंस की तरफ जाया गया, तो डेफिनेटली देर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन
इन्फॉर्मेशन एंड पॉजिटिव न्यूज कमिंग ऑन 16th of March. सो आई डू फील दैट 16th of March में कहीं वॉर सिचुएशन जो है या तो वो थम जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एक क्लैरिटी हो जाएगी, या फिर मुझे वाटर लेवल पे कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक मे बी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा वाटर से और वाटर में वॉर जो है और ब्लैक सी में वॉर का सिचुएशन जो है शुरू हो सकता है. बट मेजरली मुझे सोल्यूशन की एनर्जी लग रही है. लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर ओशोज एंड फॉर द वर्ल्ड. बेटे ले लो ना, आपको पता तो है मम कहाँ है आपका, सिपर ले लो जाओ. ओके सो सी अगेन वी गॉट द सेम एनर्जी. दिस इज सॉल्यूशंस, दिस इज कॉम्प्रोमाइज. सो देर इज अ कॉम्प्रोमाइज दैट इज हैपनिंग. द कॉम्प्रोमाइज इज गोइंग टू हैपन इन साइलेंस. देर इज दैट एनर्जी ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज, लुकिंग एट न्यू पॉसिबिलिटीज, लुकिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटीज. देर इज एन एनर्जी ऑफ सक्सेस. सो आई डू फील देर इज, एंड देर इज एन एनर्जी ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल. अगेन थ्री ऑफ, सो दिस इज थ्री, नो दिस इज नॉट पेंटिकल, दिस इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स एंड दिस इज थ्री ऑफ कप्स. सो देर इज दैट एनर्जी ऑफ थ्री. मुझे ऐसा लगता है दैट येस देर इज एन एनर्जी ऑफ विक्ट्री फॉर वन एंड द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू पे ऑफ इन लॉन्ग रन. बट मुझे वॉर में पीस आता हुआ नजर आ रहा है. नाउ लेट्स सी क्या होता है. बट मुझे वॉर सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस्ड होती हुई लग रही है और एक सोल्यूशन आता हुआ लग रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज होता हुआ लग रहा है ऑन 16th of March. सो कल अगर होता है तो कल मुझे एक सोल्यूशन, एक थमती हुई सिचुएशन नजर आ रही है वॉर में.